नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। बेंगलुरु में बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया और नतीजा ये कि दक्षिण अफ्रीका व्हाइट बॉल क्रिकेट के साथ भारत में अपना रिकॉर्ड बचाने में कामयाब रहा, यानी कि भारत में व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो कोई भी सीरीज अभी तक नहीं हारे थे और एक बार फिर वो ये सीरीज हम कह सकते हैं बचाने में कामयाब रहे, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम को हॉट फेवरेट माना जा रहा था और बारिश ने जब मैच में खलल डाला तो भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिर गए थे, लेकिन कुल मिलाकर आस भारतीय टीम से थी कि वो इस सीरीज को जीतने में कामयाब रहेंगे। अब क्योंकि सीरीज खत्म हुई है तो जाहिर सी बात है हम सीरीज के सिकंदर खिलाड़ियों पर बातचीत करेंगे, कौन से वो पॉजिटिव मोड़ रहे इस सीरीज के उसमें बातचीत करेंगे, क्या कुछ कमियां नजर आई उस पर बातचीत करेंगे, और साथ ही दक्षिण अफ्रीका जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया वो क्या इस सीरीज का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा, इस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सभा करीम है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सभा भाई, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ भारतीय टीम के लिए कितनी अच्छी मॉर्निंग आप देख रहे हैं, 7 बज गई या दक्षिण अफ्रीका बच गया या भारतीय टीम की सीरीज हारने से बच गई, कुल मिलाकर 2-2 का स्कोर रहा सीरीज खत्म होने के बाद। ये जो श्रृंखला थी इसमें बहुत कुछ सीखने को था भारत के लिए, बहुत कुछ गंवाने को भी था। तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस श्रृंखला के बाद ये हम लोग कह सकते हैं कि भारत ने बहुत सारे गेन्स किए हैं इस श्रृंखला में, गंवाया बहुत कुछ भी नहीं है और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारत के लिए। जिस तरह से भारत ने वापसी की इस श्रृंखला में ये दर्शाता है कि भारतीय टीम के जो यंगस्टर्स हैं, एक प्रकार की नई टीम जो उभर कर आ रही है उसमें भी वो एबिलिटीज है कि बड़ी बड़ी टीमों को परेशान कर सकती है और मैच उनके सामने भी जीत सकती है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है भारत के लिए। और दूसरा, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की हम लोग बात करते आ रहे हैं जो कि एक तरह से जरूरत बन गया है इसमें T20 क्रिकेट में, वो हमें देखने को मिला है। तो ये इस तरह की रिकवरी, इस तरह का इंटेंट, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारत के लिए। और अगर हम इस पूरे सीरीज का लब्बोलुभाव निकाले सब भाई, तो बैटिंग डिपार्टमेंट को आप कितने नंबर देने वाले हैं और बॉलिंग डिपार्टमेंट को आप कितने नंबर देने वाले हैं, और आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस कौन रहे बैटिंग और बॉलिंग में? मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज करें राजीव, तो ज्यादा अच्छी तस्वीर नजर आएगी। तो हमारे पास पॉजिटिव्स क्या क्या रहे हैं अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें, मेरे विचार में सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म, उन्होंने स्पीयरहेड किया अटैक को। दूसरा, दिनेश कार्तिक, उनको हम लोगों ने IPL के फॉर्म पर लेकर यहाँ पर हम लोग लेकर आए थे, यही उम्मीद थी उसी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जो कि देखने को मिला। नंबर 3 एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है हार्दिक पांड्या की का प्रदर्शन, उनकी गेंदबाजी तो वो कर नहीं पाए पर जितना भी उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की, ये दर्शा रहा है कि उन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया है इस समय। उसके साथ साथ जो सपोर्ट बॉलर्स रहे हैं, हर्षल पटेल हो गए, आवेश खान हो गए, युजी चहल हो गए, इन सबों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रह रहा है। अब बल्लेबाजी में अगर हम देखें तो जिस इंटेंट से हमारे दोनों ओपनर से शुरुआत की थी वो काफ़ी अच्छा लगा देखने में, और जैसे कि मैंने कहा दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या, तो अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है और अगर आपके पास फिनिशर्स अच्छे हैं तब भी आप मैचेस जीत सकते हैं और श्रृंखला में बने रह सकते हैं, ये दिखलाया है हमें इस श्रृंखला ने। बॉलिंग डिपार्टमेंट पे सभा भाई कैसे देखते हैं आप? एक मैच में आवेश खान अच्छा करते हैं, एक मैच में हर्षल पटेल अच्छा करते हैं, एक मैच में भुवनेश्वर कुमार अच्छा कर जाते हैं, ओवरऑल बॉलिंग पैकेज के तौर पे ज्यादा इंप्रेस कर पाए या इंडिविजुअली जो स्पेल्स आपने देखे हैं इस सीरीज में वो ज्यादा इंप्रेसिव रहे? बॉलिंग पैकेजेस भी राजीव, मुझे लगता है एक मैच को जीतने के लिए कम से कम आपको 3.5 से 4 बॉलर ऐसे होने चाहिए जो अपने कोटा ओवर्स पूरा करें और उसमें विकेट टेकिंग बॉल्स डालें, जो कि इस बॉलिंग यूनिट ने दिखाया है, चाहे वो युजी चहल हो, भुवनेश्वर कुमार हो, आवेश खान हो, हर्षल पटेल हो, या कुछ हद तक इवन अक्षर पटेल क्यों ना हो। मुझे लगता है ये जो बॉलिंग यूनिट है उसका फायदा मिला है भारत को। जैसे कि मैंने कहा कि चार अगर बॉलर आपको ऐसे मिल जाते हैं एक मैच में जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिफ्थ बॉलर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी रहे तब भी आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक 6th बॉलिंग ऑप्शन भी है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भुवनेश्वर कुमार को दिया गया और शायद इसीलिए आपने कहा कि सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था इस सीरीज में वो भुवनेश्वर कुमार के करियर के लिए इंडिविजुअली बहुत अच्छा था। क्या कुछ खास उन्होंने अच्छा किया सब भाई? एक तो 4 विकेट का स्पेल हमें तो याद है, साथ में क्या इनिशियली जो ब्रेक थ्रू हम मिस कर रहे थे, क्या पहले 6 ओवर में विकेट नहीं निकाल पाते थे, वो क्वालिटी भुवनेश्वर कुमार दोबारा से वापस लेके आए? हाँ राजीव,
सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी गेंदबाजी में थोड़ी बहुत और तेजी देखने को मिल रही है। मूवमेंट तो हमेशा से रहा था, पर इस तरह का मूवमेंट बहुत सालों के बाद देखने को मिला है भुवी की बॉलिंग में, चाहे वो अंदर की बॉल हो या बाहर की बॉल हो, अपराइट सीम पोजिशन से बॉल करना, रिस्ट पोजिशन काफी अच्छा रखना, वहां पर सटल चेंजेस करना, उसके साथ साथ वो गति परिवर्तन करना, कई सारे वेरिएशन और सभी के सभी वेरिएशन या सभी सभी के जो मूवमेंट है इन द एयर या फिर ऑफ द विकेट, वो प्रिसाइज लेंथ पे बॉल डालना, ये कमाल की गेंदबाजी रही है भुवनेश्वर कुमार की। और मुझे लगता है यहाँ से उन्होंने एक एक हद तक अपने करियर को रिवाइव किया है। और उससे बड़ी बात ये भी है राजीव, कि अगर वो विकेट ना भी लेते हैं पर दबाव बनता है बल्लेबाजों के ऊपर, और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि नई बॉल से आपको विकेट मिलना चाहिए, पर अगर आप नई बॉल से विकेट नहीं भी ले रहे हैं पर क्या बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि नहीं, जो कि भुवनेश्वर कुमार ने किया, उसका फायदा दूसरे गेंदबाजों को मिलता है जो हर एक मैच में हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम सबा भाई बैटिंग डिपार्टमेंट में वापस थोड़ी सी बात करें, ईशान किशन ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए, क्या वो ज्यादा इम्प्रेस कर पाए या 37 साल की उम्र में जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने 2 मैचों में बैटिंग की, आपके लिए बैटिंग में अगर किसी को चुनना होता तो आप किसको चुनते मैन ऑफ द सीरीज? अनडाउटेडली डीके को राजीव, क्योंकि वो कठिन परिस्थिति में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और उन्हीं की बदौलत श्रृंखला में बना रहा इंडिया, नहीं तो बहुत देर हो जाती। जिस तरह से उन्होंने प्रेशर को कंट्रोल किया है और सिचुएशन के मुताबिक बल्लेबाजी की है, बेहतरीन तरीके से फिनिशर का रोल अदा किया है। देखिए, जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, पावर प्ले में आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ 2 फील्डर्स 30 यार्ड के सर्कल के बाहर हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी टेक्निक सही है और अगर आपको पावर हिटिंग कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। अंत में आकर बल्लेबाजी करना, अंतिम के 5 ओवरों में बैटिंग करना बहुत कठिन हो जाता है, और वहाँ पर जो हालत रही है इस बार भारत की, आपकी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कमज़ोर पड़ रही थी, तो वहाँ पर आकर सिचुएशन के मुताबिक रन बनाना बहुत कठिन काम होता है, जो कि दिनेश कार्तिक ने एक तरह से मुझे लगा कि उन्होंने एम्ब्रेस किया इस प्रकार के रोल को, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ही हूँ जो जो रन बनाऊंगा और मैच जिताऊंगा अपनी टीम के लिए। ये पॉजिटिव चीजें तो हो गई सभा भाई, राहुल द्रविड़ अपनी डायरी खोलेंगे तो जो चीजें सुधार करना उनमें top 3 points कौन से होंगे जो उन्होंने नोट किए होंगे इस सीरीज के बाद? मिडिल ऑर्डर में और ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऋषभ पंत से उन्होंने ये बात भी कही है कि अभी भी वो इंटीग्रल है उनके प्लान्स में, पर कब तक ये चलेगा वो निर्भर करता है ऋषभ पंत के फॉर्म के ऊपर, क्या वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। राहुल द्रविड़ का ये मानना है कि चूंकि लेफ्ट हैंडर एक बल्लेबाज हैं, उनमें वो पावर हिटिंग एबिलिटी है, तो इसी वजह से उनको थोड़ा और मौका दिया जा रहा है, तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा राहुल द्रविड़ के लिए। उसके साथ साथ नंबर 3 के पोजीशन, खैर वो अलग बात है कि जब विराट कोहली वापस आ जाएंगे तो नंबर 3 की जगह आपकी पक्की हो जाएगी। ओपनर्स उनके पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं, केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, अगर ये दोनों फिट नहीं होते हैं तो फिर आप ईशान किशन को ला सकते हैं, वो एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। सूर्य कुमार यादव एक शानदार आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक का जो फिनिशर का रोल है ये देखकर उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। थोड़ा बहुत कंसर्न होगा उनको जिस तरह से हमारे स्पिनर्स ने गेंदबाजी की थी पहले 1 या 2 मैचेस में, उसके बाद जो वापसी हुई है तो मुझे लगता है राहुल द्रविड़ ने जरूर एक राहत की सांस ली होगी। बिल्कुल, और साथ ही क्या सवा भाई, ये भी होगा कि जो पावर हिटर्स आते हैं मिडिल ओवर्स में उनको रोकने के लिए भी एक रणनीति, ज्यादातर मैचों में हम फेल हो जाते हैं, क्या ये भी कंसर्न होगा कि डेविड मिलर या कार्लसन जैसे बैट्समैन आते हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाए? शायद आई ओपनर था ये सीरीज, और 2 मैचेस में जिस तरह से सिंगल हैंडेडली मिलर ने और कार्लसन ने मैच जिताया, क्या ये भी नोट डाउन किया गया होगा कि आप मिडिल ओवर्स में ऐसे जो पावर हिटर्स आते हैं उनको आप कैसे कंटेन करें, कैसे उनको रोका जाए? राजीव, इसको मैं कुछ अलग तरह से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ ये सोच रहे होंगे कि जहाँ जहाँ फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स है वहाँ पर किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए, किस लेंथ पर आपको बॉलिंग करनी है, आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा एक गेंदबाज के रूप में, अगर आप पेस बॉलर हैं तो इस प्रकार के पावर हिटर्स को फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स पर कौन सी लेंथ सही होगी, क्या यॉर्कर लेंथ राइट लेंथ है वहाँ पर के लिए, क्या आप वाइड ऑफ स्टंप के बाहर डालकर उनको रोक सकते हैं, ये एक बात हो गई पेस बॉलर्स के लिए। दूसरी बात हो रही है स्पिनर्स के लिए कि अगर आप फ्लैट ट्रैक पर बॉलिंग कर रहे हैं तो वहां पर किस गति से आपको बॉलिंग करनी होगी, क्या आप और ज्यादा वेरिएशन डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो इन सब बातों पर जरूर ध्यान देना होगा राहुल द्रविड़ को, क्योंकि आने वाले समय में ये जो विश्व कप मुकाबला होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, वहां पर फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स मिलते हैं, वहां पर इस तरह का गति परिवर्तन हो सकता है उतना फायदा ना मिले, तो इन सब बातों पर जरूर काम भी करेंगे और चर्चा भी होनी चाहिए। भाई क्योंकि पूरे सीरीज में टीम अनचेंज्ड खेली, कैसे आप देखते हैं, क्या ये प्लान का हिस्सा है कि आप इनिशियली जो
पांच मैचेस से आपको एक बंच को आपको पूरा मौका दे दिया गया, नेक्स्ट बंच हम आयरलैंड और इंग्लैंड में खिलाएंगे, कुछ इस तरह की रणनीति आप यहां से समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है राजीव। राहुल द्रविड़ का यही मानना है कि उनके पास करीब 22 से 23 या 24 प्लेयर हैं, कोर प्लेयर्स हैं, जिनमें से उनको 15 को चुनना होगा विश्व कप के लिए। वो चाहते हैं कि जिसको भी टीम में रखा जाए और 11 में खिलाया जाए उनको कम से कम 4 या 5 मैचेस मिलने चाहिए, उसके बाद आप उनको आगे रख सकते हैं, या फिर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो तो उनको आप टीम से बाहर कर सकते हैं। ये एक तरह की राय बन गई है इस समय टीम मैनेजमेंट, जो कि अच्छी बात भी है। और राहुल द्रविड़ ने जब ये टेक ओवर किया था उनकी सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उस टीम में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो खबरें आ रही थी कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई थी टीमों में, खिलाड़ी को पता नहीं था कि वो आने वाला मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, एक या दो मैच के बाद ही उनको आंक लिया जाता था कि आप अच्छे हैं कि खराब हैं। तो ये जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है राहुल द्रविड़ के आने के बाद। क्या सभा भाई आपको लग रहा है ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, ये तीन ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने एक तरह से अपना मौका जाया किया? पांच मैच बहुत होते हैं आपको मिले, पांचों मैच में कोई बहुत इम्पैक्ट वाला प्रदर्शन नहीं कर पाए ये लोग। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ राजीव, क्योंकि मुझे लगता है कि उस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा एबिलिटीज हैं और फिर तकनीकी रूप से भी वो करेक्ट है। कई बार कई सारे प्लेयर्स को थोड़ा समय लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर एडजस्ट करने में, तो हो सकता है ये कारण हो ऋतुराज गायकवाड़ का। अगर आपने उनका IPL फॉर्म भी देखा होगा, काफी साल से टीम में थे और एक बार जब वो चमकने लगे CSK के लिए तो उनका करियर ग्राफ जो है ऊपर होता गया। मैं अभी भी बहुत ज्यादा ब्राइट हूँ प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। अक्षर पटेल ने बीच बीच में अच्छी गेंदबाजी की, कई बार किस लय से बॉलिंग करनी चाहिए, किस गति से बॉलिंग करनी चाहिए, वहां पर थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत है। बल्लेबाजी का ज्यादा मौका मिला नहीं तो इस समय हम लोग सिर्फ उनको गेंदबाजी के रूप में ही देख रहे हैं। एक शानदार बॉलर है, अंतिम के एक या दो मैचेस में बेहतरीन वापसी की है, तो उनके लिए अभी भी चांसेस ब्राइट है। तो ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर के लिए मुझे लगता है कि कठिन रास्ता होने वाला है, क्योंकि उस जगह के लिए कई सारे कंटेंडर सामने आ गए हैं, चाहे वो दीपक हुडा हो, संजू सैमसन हो, सूर्य कुमार यादव हो, विराट कोहली पहले से ही मौजूद हैं, तो वो जगह के लिए मुझे लगता है कि लड़ाई अब जरूर रही होगी। पर अब चूंकि श्रेयस अय्यर ने कुछ रेगुलरली रन बनाए नहीं है तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा उनके करियर के ऊपर, जहां तक के T20 की अगर हम बात करें तो। भाई अगर मैं आपसे तीन यंगस्टर्स की बात करूं जिनकी वेटिंग टिकट अब RAC में आ चुकी है और RAC से अगले कुछ सीरीज के बाद वो कंफर्म सीट हो जाएगी अगर वो अच्छा करते हैं, तो उनमें से तीन खिलाड़ी कौन लग रहा है? एक तो मुझे लग रहा है ईशान किशन ऑलमोस्ट श्योर हो गए हैं कि उनको वर्ल्ड कप ले जाया जाएगा एज अ ओपनर, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप में वो थर्ड ओपनर के तौर पर गए थे और उनको बाद में चांस भी एक मैच में मिला लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। कैसा आप देख रहे हैं ईशान किशन का इम्पैक्ट हो या हार्दिक पांड्या या दिनेश कार्तिक, कौन से ऐसा तीन नाम है जिनको आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी बर्थ जो है वो कंफर्म कर लिया? आपने यंगस्टर्स की बात की तो उसमें सिर्फ ईशान किशन ही का नाम आता है, उसके अलावा तो दोनों ये यंगस्टर्स है नहीं, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक तो यंगस्टर ही लग रहे हैं सभा भाई, जिस तरह से कोच के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने अपना स्किल दिखाया है और इम्प्रोवाइज जिस तरह से बैटिंग में कर रहे थे, मुझे लग रहा है सबसे यंग तो वही दिख रहे थे, फियरलेस बैटिंग कर रहे हैं। वो तो है जिस तरह का अप्रोच है वो तो सबसे ज्यादा दर्शा रहा है कि सबसे यंग प्लेयर टीम में वही है। तो हाँ ये तीन खिलाड़ी तो हो गए, उसके साथ साथ भुवनेश्वर कुमार, यूजी चहल, इन सभी पक्की कर ली है। हर्षल पटेल एक और खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है, और हर्षल पटेल को मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बैक कर रही है, क्योंकि वो मिडल ओवर्स में आते हैं बॉलिंग करने के लिए और उनमें वो धार है, क्योंकि उनके वेरिएशन बहुत शानदार रहता है। बड़ा ग्राउंड रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर मेरे ख्याल में ये सब 4-5 खिलाड़ियों की जगह एक तरह से पक्की सी हो गई है राजी। कौन से डिपार्टमेंट में सभा भाई आप देख रहे हैं लड़ाई ज्यादा बढ़ गई? पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ढेर सारे ऑप्शंस आ गए, या आप देख रहे हैं टॉप फोर में जो बल्लेबाजी है वहां पर भी बहुत मिडिल ऑर्डर में उतनी लड़ाई नहीं दिख रही, क्योंकि हार्दिक और दिनेश कार्तिक ऑलमोस्ट श्योर है, लेकिन टॉप फोर में सेलेक्ट करना और फिर पेस बॉलिंग में एक बड़ा पूल नजर आ रहा है। स्पिन डिपार्टमेंट में भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, यूजी चहल और रवींद्र जडेजा मुझे लग रहा है ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे। कैसे आप देख रहे हैं पेस बॉलिंग में और हमारे टॉप फोर बल्लेबाजी के लिए? मेरे ख्याल में एक ही जगह थोड़ी बहुत एक या दो जगह की लड़ाई होगी राजीव। टॉप ऑर्डर आपका एक तरह से मुकम्मल हो गया है, आप KL राहुल और रोहित शर्मा को आप ड्रॉप कर नहीं सकते हैं, विराट कोहली को आप निकाल नहीं सकते क्योंकि तीनों आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। तो अभी एक जो जगह खाली है वो सिर्फ नंबर 4 की खाली है, जिसकी लड़ाई इस समय जारी हो रही है। सूर्य कुमार यादव हैं, श्रेयस अय्यर हैं, दीपक हुडा हैं,
संजू सैमसन है, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो वहां पर, ऋषभ पंत भी हो गया, अगर उनको आप लाते हैं तो वो भी एक और नाम शामिल हो गया है नंबर चार पर खेलने के लिए। तो इस तरह के ही आपके पास कई सारे विकल्प हैं। तो मुझे लगता है चयनकर्ताओं के दिमाग में, राहुल द्रविड़ के दिमाग में यही होगा कि वो एक जो स्लॉट है उसको कैसे, उसकी भरपाई कैसे हो, क्योंकि फिर आपके पास नंबर पांच हार्दिक पांड्या, नंबर छह दिनेश कार्तिक, नंबर सात रविंद्र जडेजा, फिर आपके पास जगह बचती नहीं है। पेस बॉलिंग में अगर आप देखें तो भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह, ये तीन बॉलर्स, पेस बॉलर्स आपके लिए पूरे हो गए, तो आपकी 11 तो तैयार है। और जो चार जगह है उसके लिए जो रिजर्व रहेंगे, उससे ईशान किशन का नाम उन्होंने ले लिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो अब विकेट कीपर की जरूरत है नहीं अगर आपके पास ईशान किशन है, दिनेश कार्तिक है, अगर आप ऋषभ पंत को भी लेते हैं तो उनकी जगह बनती है। उस तरह से मुझे लगता है कि 11 तो मुझे, मेरे ख्याल में एक तरह से बनकर सामने आ गई है हमारे। यानी कि सभा भाई, जब सीरीज शुरू हुई तो चार विकेट कीपर को लेकर हमने चर्चा शुरू की थी, के राहुल, दिनेश कार्तिक, ईशान किशन और ऋषभ पंत। अब उनमें से सीरीज जब खत्म हुई है तो दो की जगह तो आपने कंफर्म कर ही दी है, दो क्या, के राहुल को ले लें और ईशान किशन और दिनेश कार्तिक, तो तीन आपने कंफर्म कर दिए। क्या ऐसा तो नहीं इस वर्ल्ड कप में हम, क्योंकि गेंदबाज खिलाने पांच छह विकेट कीपर ही खेलते हुए नजर आ जाए? हो सकता है राजीव, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों को हम लोग एक विकेट कीपर के रूप में देख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अब इन खिलाड़ियों को देखे, ईशान किशन ने कहाँ कीपिंग की है, ना तो उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए कीपिंग की है, या मुंबई इंडियंस के लिए कीपिंग की है, भारत के लिए उन्होंने कभी कीपिंग की नहीं है। संजू सैमसन भी जब भी आए खेलने के लिए एक बल्लेबाज के रूप में आए, दिनेश कार्तिक ऐसे भी कीपिंग उन्होंने की नहीं है भारत के लिए बहुत जमाने से, अब आने वाले मैचेस में उनको कीपिंग करने का मौका मिलेगा आयरलैंड के विरुद्ध जो मुकाबला हो रहा है। उसके अलावा तो ये सारे के सारे बेहतरीन फील्डर्स हैं, और ये दर्शा रहा है कि क्रिकेट कितना ज्यादा चेंज कर गया है। अब हर एक जो विकेट कीपर बल्लेबाज होता है वो एक अच्छा फील्डर भी हो, चाहे उस वो क्लोज इन कैचिंग में हो या फिर आउटफील्ड में हो, और ये बहुत बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिल रही है। अब वो हमारा जमाना चला गया कि मैं तो रोता रहता था थ्रो करने के लिए, मेरा थ्रो इतना खराब था कि आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचता था। और मजे की बात ये कि जो टीम के इस समय हेड कोच है वो भी एक समय में बतौर विकेट कीपर खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेला उन्होंने 2003 में, तो वो समझते हैं कि एक विकेट कीपर का अच्छा और बेहतर बल्लेबाज होना, शायद वहीं से सोच बदली इंडियन क्रिकेट में कि आप विकेट कीपर बैट्समैन नहीं, बैट्समैन विकेट कीपर लेके आए, और इसी वजह से आज हालात ये कि जब दक्षिण अफ्रीका जैसी सीरीज टीम के खिलाफ सीरीज खत्म हो रही है तो हम तीन विकेट कीपर्स को कंफर्म एक तरह से देख पा रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप में जाएंगे। और अगर ऋषभ पंत ने आने वाले कुछ सीरीज में अच्छा किया तो जो ये चार विकेट कीपर ले जाने की परंपरा है वो आपको आगे भी नजर आ सकती है, और क्या पता है ये विकेट कीपर्स की जो एक फौज है भारतीय टीम में ये आपको वर्ल्ड कप भी दिला दे। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका बातचीत करने के लिए, तमाम एनालिसिस के लिए, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।